करौली जिला। तो चलिए दोस्तों कुछ स्टोरी बताता हूँ इनकी। ये करौली जिले से आए और रामदेवरा जा रहे हैं, और रामदेवरा 600 किलोमीटर पड़ता है करौली जिले से। और ये इनके हस्बैंड है, वो पति देवता है, वो पीछे आ रहे हैं और वो डंडोत करते करते आ रहे हैं। मीन्स कंक्रीट पत्थर कुछ भी हो वहीं पे डंडोत करते आएंगे, पैदल नहीं चलेंगे, वहाँ पे भी डंडोत करते करते ही चलेंगे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। रामदेव रे, हाँ कितने दिन हो गए आपको निकले हुए? 2 महीने 20 दिन हो गए। 2 महीने और 20 दिन। और खाना वाना कहाँ खाते हैं? रस्ते में काफ़ी मिलता है, हम कोई कमी नहीं, चाय दूध की खाने की कोई कमी नहीं। आगे ये गांव आ गया, इसमें रुक जाएंगे, इसमें मिल जाएगा तो भी सपोर्ट है। तो मतलब कहीं जाते हो गाँव में कोई आता है आपके साथ में? सब नहीं, कोई नहीं आता, क्या करेगा आके, कोई डर थोड़ी रस्ते। तो भी नाइट होल्ड कहाँ करते हो? रात कहाँ रुकते हो? रात अब इस गाँव में रुक जाएंगे, गाँव आ रहा है और दूर पड़ता है तो फिर वापस आ जाते हैं इसी गाँव में। जय हो, जय बाबा की, आपकी इच्छा मनोकामना भगवान पूरी करे। अब खट्टा पानी दे, सब साधन हो रहे हैं। हाँ आ गया, अच्छा आ गया, कोई दुकान वाले कुछ है, वो चाय पानी तो आप अभी पिए, चाय नहीं फिर वो दुकान वाला पिया ना पड़ेगा, दुकान कोई कमी नहीं है खाने पीने। इसी छोड़ पैसा मिलता है। तो भी कितने किलोमीटर होगा रामदेवरा? अभी तो नहीं समझो, 1.5 महीने में पहुँचेंगे हम। 1.5 महीने संभाल लो रोड के क्षेत्र में। 250 किलोमीटर हमारा तो यही 5-6 कभी 4 कभी 5 कभी 6 बस। अब इस गांव से आए पिछले घंटे तो किधर कंक्रीट वगैरह रहते हैं तो उधर चलना पड़ता है, गाड़ा में चलना पड़ता है, सब कुछ चलना पड़ता है। वो पर एक जगह पूरा मार गई इसी में। अब ये कंकर आ रहे हैं, इसको क्या छोड़ेगी रास्ते में, मारा तो आएगा वो तो। किसो गाँव वाले करौली जिला सपोर्ट होते हैं। कितना महीना का रवाना यार? 2 महीने 20 दिन। तो चलिए गाइस, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अगर कोई भी रामदेवरा या फिर कोई भी तीर्थ स्थल पर जा रहा हो तो उनको प्लीज़ कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए। अपन से अगर नहीं जाया जाता कि अपन उधर मंदिर में नहीं जा सकते, तो बीच में फिर कोई भी मन्नत मांगते हुए कोई जाता है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें। ऐसा नहीं कि उनको कुछ आपसे नहीं हो तो भी उनकी हेल्प करें, आपसे आपकी जो इच्छा है आप वो हेल्प कीजिए। अगर बहुत धूप है तो उनके लिए थोड़ी छाँव की व्यवस्था कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए, अच्छे मीन्स रात को ठहरने की व्यवस्था कीजिए, वो सब आप व्यवस्था कीजिए उनको प्लीज़। अगर किसी की भी गांव में अभी बहुत रामदेवरा लोग जा रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनकी प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिए। और बहुत लोग हेल्प करते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप रामदेवरा नहीं जाके भी पुण्य का काम कर सकते हो। जय बाबा जी।